What a beauty man. देवी और सज्जनों, इस घंटे को श्रद्धा पूर्वक दबाइए और ट्रैवल के अद्भुत संसार में मेरे साथ गोते लगाइए। बहनी लोग, फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और जैसे आप जान रहे हैं कि आज है रक्षाबंधन, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार मैं आया हूँ ब्राटिस्लावा, और ये आप ब्राटिस्लावा का बस स्टॉप। 2 घंटे की जर्नी थी करीबन, और बस सस्ता था। और एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप ब्राटिस्लावा आ रहे हैं तो यहाँ से वियना बस कुछ 1 घंटे का रास्ता है, और $1 और €1 में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बार मैं वियना नहीं जा रहा हूं किसी कारणवश से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगा। जैसे मैं ब्राटिस्लावा में हूं, और कुछ देर बाद आपको मेन अट्रैक्शन दिखाऊंगा, तो क्यों ना मेन अट्रैक्शन दिखाने से पहले जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो दिखा दूँ। नॉर्मल चीज़ें मतलब नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल गलियाँ। तो ये रहा एक झलक उस चीज़ का। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही शानदार चर्च के पास, जो कि हमारा पहला अट्रैक्शन है यहाँ का। इसको यहाँ के लोग ब्लू चर्च के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं ब्लू चर्च दिख रहा है। इसका नाम है सेंट एलिजाबेथ चर्च। तो जब आप ब्राटिस्लावा आएंगे तो बस से उतरते ही ये आपका फर्स्ट अट्रैक्शन हो सकता है। हार्डली 1 किलोमीटर के वक्त पे है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ ना पता चले ना तो साइन बोर्ड देखो। चलिए इस गलियों के थ्रू पहुँचते हैं, ओल्ड टाउन देखते हैं। मैंने ब्राटिस्लावा के कैपिटल में पाया OTP बैंक, जो कि है हंगेरियन बैंक। वाह, और ये रही यहाँ की ट्रैम, बिल्कुल मिलती जुलती प्राग की ट्रैम की तरह। आ गए हैं हम ओल्ड टाउन में, दर्शन कर लीजिए ओल्ड टाउन का, ब्राटिस्लावा की पुरानी ट्रैम। इट्स सीम्स लाइक अ ओल्डेस्ट ट्रैम इवन वर्ल्ड। फूड डिलीवरी ऐप वो डिस्ट्रॉय हो गई। लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू प्राग, बिजी स्ट्रीट्स, दिस स्ट्रीट इज एग्जैक्टली गिविंग मी द फीलिंग ऑफ दैट। Everybody, even my friends told me the thing that you are just mentioning, that yeah. Bratislava will be boring, but what do you find so far? So far it's very interesting, I am liking it. City is a little bit different from Budapest. Obviously. But so far so good. ये यूरोप की खासियत है, यहाँ छातों का जो इस्तेमाल करते हैं ना भाई, सेंतेंद्रा की याद दिला दिया। चलते जब आंखें आपकी कहीं ठहर जाएं, तो समझ जाइए कि वो जगह आपको पसंद आने लगी है। और ऐसा ही हुआ कुछ देख के इस जगह को। What's that? We don't speak. Can you airdrop the photo? भैया सही बता रहा हूँ, किसी के कहने पे बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको कोई कहता है कि कोई शहर आपको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मत जाइए। ब्राटिस्लावा गुड, बहुत सही है, बहुत सही जरूर है ये। तो भैया लोग, आप लोगों से कितनों ने इनको देखा है? देखा है जरूर, देखा होगा बहुत से वीडियोस में। पता है कहाँ पे हैं ये? कहाँ पे हैं ये? ये हैं ब्राटिस्लावा, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भैया मत आना, अच्छा नहीं है, बहुत अजीब सा शहर है। नहीं, आज देखो कितना सही शहर है। नमस्ते।
वो कहते हैं ना कि इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ता, या यूँ कहें कि इतिहास को जाने बिना आप पूरा नहीं हो सकते, संपूर्ण नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ जब मैं इन बोर्ड्स को पढ़ रहा हूँ। ये रेड रेड वो जगह है जो लॉस्ट सिनेगॉग ऑफ द लॉस्ट सिटी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम, जब जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ था। ये उनकी याद दिला रही हैं। मैं यूरोप में जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ इतिहास के पन्नों से जरूर जुड़ जाता हूँ। Where is the castle, man? Over there. We have to turn right. Aye, sir. The door is open. Let's go to the Heaven's Gate. You honest guy as well. He asked me, Hikmat Casinova, am I your honest guide? Yes. Amrindra. Amrindra. YouTube. The honest guy is going to tell you that this UFO bridge that you should come to Bratislava at any cost. It's really good, beautiful, old and modern town mixed. So today, with this guy, I'm going to start a new business. It's called Kumar Bus. The bus service that I will start in Europe. Yeah. And it's a good name. And we will take people in my bus. Not Flix bus. Yeah, yeah. Not even Rizu it. Yeah. By and by the way, this guy got a signal from a girl. Approached her. And this guy, oh, he missed the chance. Right now I'm going. Oh, really? See, just there. Just behind the camera. His girl is there. The green one. Hello. Hey. Are you Revolut customer? Yes, I am Revolut customer. Today we exploring Bratislava. Revolut card. Hope Revolut card will be sponsor for you. Ye synagogue. Kuch keh raha hai. Historical center. चलते चलते भैया हम पहुंच गए प्रेसिडेंट पैलेस, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो यूरोपियन यूनियन का झंडा, स्लोवाकिया का झंडा। दोपहर के 2 बजे से चलते 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 शाम के 9 बजने वाले हैं, फिर भी मैं इस शहर से उबा नहीं हूँ। और अगर कोई ग्योर या नियर बाई सिटी से देख रहा होगा ये वीडियो या आने वाला होगा, तो आपके लिए ब्राटिस्लावा और वियना बहुत नज़दीक है। जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना ही कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है इस शहर में। चलते चलते बिना इरादा एक यूनिवर्सिटी भी फाइंड कर लिया है मैंने आपके लिए, अगर कहीं स्लोवाकिया में पढ़ने आ रहे होंगे ब्रैटिस्लावा में, तो ये सामने रही एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्लोवाकिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमें लग रहा है कि हम ये पार्ट मिस कर दिए हैं, ये मैनेट वॉक जहाँ पे फोटो लिया था, वीडियो लिया था, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे है। ये जगह ना मुझे एग्जैक्टली रिमाइंड करा रहा है प्राग का, जहाँ से जब रात में मैं घूमना शुरू किया था वहाँ पे, तो एकदम बिल्कुल इसके सामने डैन्यूब रिवर थी, जो भी रिवर थी मैं उस रिवर का नाम भूल गया, और एकदम ऐसा ही लैंडस्केप था इधर से आके
बिल्कुल वैसे ही, जस्ट बगल में नदी सामने, मुझे बिल्कुल वही याद दिला रहा है। इन द नाइट, व्हाट इज द नाइट लाइफ ऑफ ब्राटिस्लावा? इज देयर नो लाइफ, नाइट लाइफ हियर एंड एवरीवेयर इज क्लोज्ड, बट वी आर वर डूइंग फ्रॉम द लास्ट 10 टू 30 मिनट्स, सो वी आर लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट्स। एंड डिड यू फाइंड एनीवन? नो, वी कुडंट फाइंड एनी। Any pubs? So, any bars? Oh, no, there are some pubs actually. Mm-hmm. But not like Budapest. Yeah, not like Budapest. Yeah. It's just 10 o'clock and it's very city center. Yeah, and we are in the city center and there is no one here, no one. That's good. Maybe they are afraid of fires. What we could say. Namaste. So, इस तरह से हमारी ब्राटिस्लावा की यात्रा संपन्न हो रही है। हम पहुंच चुके हैं बुडापेस्ट। सुबह के बज रहे हैं कुछ 6:30। रात भर ठंडी में कपकवाने के बाद ब्राटिस्लावा के बस स्टैंड पे सुबह सुबह सोने की तैयारी। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ट्रिप पे। कहीं तक के लिए सायोनारा।